ये आपके पास सिस्टम दिया गया है और कहा गया है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, वाई का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन वाई जो है सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स खुद एक फंक्शन है 1/2x² - 1 का, ठीक है। तो यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो या तो आप चेन रूल लगा लीजिए, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एलजेब्रा में आप फंस सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कोई बढ़िया सा सब्स्टिट्यूशन सोच लीजिए जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए या ये सिस्टम रिड्यूस होकर छोटा बन जाए, है ना। तो हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, 2 cos²θ - 1 cos 2θ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, अगर यही 1 - 2 x² होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं 1 - 2 sin²θ, है ना। तो आइडेंटिटी की लिस्ट होती है जिसे आपको हमेशा मेमोराइज रखना है या ध्यान रखना है, या आपको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में काम देता है। खैर, तो हम क्या यहां एज्यूम करें, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, तो y क्या हो जाएगा आपका, sec इनवर्स 1/2 cos²θ - 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर है ये cos 2θ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दैट इज sec इनवर्स ऑफ 1/cos²θ, और 1/cos²θ क्या होता है, sec 2θ, तो दैट इज sec इनवर्स ऑफ sec 2θ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2θ, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यह उसकी रेंज में लाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से, अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और यहां से आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, से इक्वेशन नंबर 2 थीटा यहां पे रिप्लेस करिए, तो क्या हो जाएगा आपका, वाई इक्वल्स टू 2 और थीटा को रख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था लेकिन ये सिंप्लीफाई होके आ चुका है इक्वलेंट वाई इक्वल टू 2 cos inverse x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ y टाइम्स cos इनवर्स x, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो -1/(√1 - x²), तो दैट कम्स आउट टू बी -2/(√1 - x²), दैट इज योर dy/dx।